लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कुंडली, जेल से चलाता है 700 लोगों का गैंग। लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता है दाऊद इब्राहिम, देश ही नहीं विदेश में भी फैला गैंगस्टर का नेटवर्क। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो पूरे देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। पंजाब और दिल्ली की सड़कों पर खून बहा चुका ये गैंगस्टर अब मुंबई जैसे शहर में भी अपने पंजे जमा रहा है। मुंबई पिछले कुछ सालों से जेल में बंद डॉन लॉरेंस बिश्नोई से थर्राया हुआ है। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की शूटर्स के जरिए हत्या के बाद तो मुंबई दहल ही गया है। कभी सलमान खान को धमकी तो कभी उस पर गोली चलवाना, कभी सिद्धू मूसेवाला की हत्या, कभी कनाडा में ऑपरेशन तो कभी इंग्लैंड में क्राइम। हर बार जब भी ऐसे कांडों के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसकी जिम्मेदारी लेता है तो हैरानी ही होती है कि वो जेल में बैठकर कैसे ये सब कर रहा है। 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम के बाद बिश्नोई शायद पहला ऐसा क्रिमिनल है जिसने पूरे देश में दहशत का माहौल बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद बिश्नोई जुर्म के इतने बड़े साम्राज्य को कैसे ऑपरेट कर रहा है, आखिर उसका सुरक्षा कवच क्या है, आइए समझते हैं। अपराध की दुनिया के इतिहास में पहली बार आज हम आपको गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का वो काला चिट्ठा बताएंगे जो आपने कभी ना पढ़ा होगा और ना कभी देखा होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से जुड़े हर काले कारनामे आज बेनकाब होंगे। पहली बार हम लॉरेंस की पूरी कुंडली के बारे में बताएंगे। वो जेल में है लेकिन जेल के बाहर उसकी दहशत है। वो देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर है जिसकी सत्ता जेल के अंदर से भी चलती है। उसके एक इशारे पर उसके शूटर और गैंगस्टर खुलेआम हत्या, धमकी और रंगदारी की वारदातों को अंजाम देते हैं। अपराध की दुनिया के इतिहास में आज पहली बार लॉरेंस की पूरी क्राइम गैंग का काला चिट्ठा एक साथ सामने आएगा। कहानी शुरू होती है 90 के दशक से, जब दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों का आतंक मुंबई में चरम पर था। 1993 के बम धमाकों के बाद दाऊद भारत छोड़कर भाग गया और विदेश से अपने डी कंपनी को ऑपरेट करने लगा। उसके बाद छोटा शकील, अबू सलेम और छोटा राजन जैसे कई और डॉन भी भारत से भाग गए। मुंबई अंडरवर्ल्ड का पूरा ऑपरेशन विदेश से चल रहा था, सिर्फ अरुण गवली ही भारत में रह गया था। मुंबई पुलिस ने गैंगवार को तो खत्म कर दिया लेकिन दाऊद और छोटा शकील को वापस लाने में नाकाम रही। हालांकि आज कहानी अलग है, लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर ही अपना पूरा गैंग चला रहा है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। इस हत्याकांड में शामिल शूटर के तार बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई साल 2012 से जेल में है, इस दौरान वो अलग अलग जेलों में बंद रहा। बिश्नोई जेल की सलाखों के पीछे से ही अपना साम्राज्य चला रहा है। 12 अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। बाबा सिद्दीकी कोई आम नेता नहीं थे, वो 3 बार विधायक रहे, महाराष्ट्र की सत्ता के करीबी थे और सलमान खान के खास दोस्तों में शामिल। सवाल और भी हैं और काफी गंभीर है कि आखिर एक दशक से भी ज्यादा समय से अलग अलग जेलों में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अपना दबदबा कैसे बनाए हुए है, अपने पूरे नेटवर्क को वो कैसे चला रहा है, सलाखों के पीछे बैठकर हाई प्रोफाइल लोगों को कैसे मरवा रहा है और बॉलीवुड के एक सुपरस्टार को कैसे खुलेआम धमका रहा है। एक सवाल ये भी है कि सलाखों के पीछे से पूरा गैंग चला रहे बिश्नोई को कौन सी ताकत इतना ताकतवर बना रही है। फिलहाल बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत के 5 राज्यों में 700 से ज्यादा शूटर्स के साथ काम करता है। इनमें कम से कम 300 शूटर पंजाब के हैं, साथ ही देश के बाहर भी लॉरेंस का नेटवर्क फैल चुका है। लॉरेंस का नाम यूपीए कानून के तहत एनआईए की चार्जशीट में शामिल है और उसके गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की गई है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि जिस तरह दाऊद इब्राहिम ने 90 के दशक में छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत कर नशीली दवाओं की तस्करी, टारगेट किलिंग और जबरन वसूली के रैकेट में उतर कर अपना नेटवर्क जमाया था, लॉरेंस बिश्नोई ने भी उसी तर्ज पर काम किया है। बिश्नोई ने जेल के अंदर से ही अपने गैंग को मजबूत किया और आगे बढ़ाया।
लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से ही कॉल और वीडियो कॉल का इस्तेमाल करके अपने साथियों से बात करता रहता है। उसने जेल के अंदर से ही टीवी चैनलों को इंटरव्यू भी दिए हैं। जेल के अंदर बैठकर लॉरेंस बिश्नोई न केवल धमकियां दे रहा है बल्कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की जान लेने की कोशिश भी कर चुका है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या देश के सबसे बड़े गैंग का सरगना जेल अधिकारियों की मिली भगत के बिना काम कर सकता है। सवाल ये भी उठता है कि बिश्नोई का रसू कितना ऊपर तक है और क्यों बिना किसी सरपरस्ती के वो इतने बड़े संगठित अपराध सिंडिकेट को कैसे चला सकता है। कनेक्शन और देश सहित बाहर के मुल्कों में फैले उसके नेटवर्क का यही जाल शायद उसका सुरक्षा कवच है, लेकिन क्यों सरकार उसके खिलाफ ठोस कदम उठाने से बच रही है? क्यों सरकार लॉरेंस बिश्नोई के सामने इतनी लाचार है? ये कई सवाल हैं जो सभी के जहन में घूम रहे हैं और इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।